आ जाएं कृपया, कॉलेज में दावत है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, यूरोप की आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग आ चुके हैं कॉलेज, ठीक है। और आज हमारे कॉलेज में सभी कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है, जिसको मुझे खुद नहीं पता कि मैं आज आया हूँ। इसलिए अभी पूछ के बताऊंगा क्या फंक्शन है। लेकिन आज हमारे मैनपुरी में आ रहे हैं जयवीर सिंह ठाकुर, जो हमारे मैनपुरी के, हमारे जिले के MLA हैं, ठीक है। तो हम लोग आज उनसे मिलेंगे और खूब जो मस्ती होगी कॉलेज में सब दिखाएंगे। मेरे कॉलेज के बच्चे आने वाले हैं, तो अपने ब्लॉग फुल देख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आसनवाड़ से ब्लॉग। चलो अपने दोस्तों के पास चलते हैं कि एक्साइटेड है या नहीं वो। आ जाए कृपया, कॉलेज में दावत है। आ जाए, दावत है कॉलेज में। चलो ये दोस्त एक्साइटेड टू गाइस मीट जयवीर सिंह ठाकुर। आई एम सॉरी सर, मेरे मुर्जू का घर जगह फट गई। जी गया मुझे सिस्टम में। इसका मुंह पूरा कवर हो गया, इतना बड़ा गया सब का प्रयोग करता हुआ। हमारे पर्यटन मंत्री हैं और हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और हम आपको बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं। जल्दी आ रहे, भूख लग रही है, पसीना निकल गया। सर्दी में भी पसीना निकल गया, धूप में बैठे मैं कड़क। गाइस, ये सेंटी है जो अभी अटेंडेंस लगा रहा है अपने, पता नहीं किस किस की लगा दे रहा है। और अभी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, कुछ सीट्स खाली हैं क्योंकि अभी प्रोग्राम ले लिया। ऑटोग्राफ ले लेते यार, हमारा भी ले लो। देखो, एक यूट्यूबर का ऑटोग्राफ लेने आए। हर हर महादेव। सर एकदम परमिशन तो दे दो। अब ठीक है, ये जो स्टार्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब स्टूडेंट आके बैठ चुके हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की लेडीज आके बैठी हुई हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है बैठने में। धूप बहुत ज्यादा तेज है, पूरा ग्राउंड भर चुका है इस समय। लेकिन अभी अपने MLA साहब नहीं आए। और ये देखिए साहिल क्या कर रहा है, बदतमीजी। जयवीर सिंह जी का आगमन, आप सब लोग एक बार खड़े होकर मंत्री जी, वो ऐतिहासिक पल जिन पलों का हम देर से इंतजार कर रहे थे। आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये मैनपुरी चौमुखी विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम सबके बीच आदरणीय मंत्री जी का आगमन इस नेहरू युवा केंद्र के ऐतिहासिक प्रांगण सभागार में। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। ये गौरवशाली क्षण है कि मान